दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर सचिन टीच में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रीबोर्ड कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पेपर। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं सही विकल्प को देखते हैं। देखिए दोस्तों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। टोटल अंक 6 हैं, तो इनका हल करते हैं। समय सीमा है संवत 1375 से संवत 1700 तक। इसके बाद रामचरित मानस की भाषा है। इसके बाद रौद्रग्रंथ का स्थाई भाव होता है क्रोध। इसके बाद दोस्तों, नेताजी की मूर्ति कहाँ लगवाई गई थी? मूर्ति लगवाई गई थी तो खान नगर पालिका द्वारा। इसके बाद दोस्तों, चिकित्सा का समाज विद्रोह चिकित्सा के लिए आलय। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार है। विदा के समय माँ को अपनी बेटी अंतिम क्या लिखना है? अंतिम पूंजी प्रतीत हो रही थी। इसके बाद दोस्तों, क्या है कि थोड़ा वीडियो में साफ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये प्रिंट थोड़ा यानी जो अंक हैं वो शब्द हैं वो सही से नहीं दिख रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ी समस्या हो रही है। इसके बाद है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? अलंकार। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दस्य शब्दः काव्यम् भरत मुनि हो जाएगा इसका। तथा आत्मकथा लेखक स्वयं के जीवन का वर्णन करता है, तो यहाँ पर स्वयं हो जाएगा। यथाशक्ति में अव्यय भाव समास होता है। कभी कभी भी लड़ते हैं। हिरोशिमा जापान में क्या है? जापान में। इसके बाद दोस्तों, अपन हल करते हैं। छाया मत छूना हो जाएगा 8वां नंबर का। विजय कुमारी माथुर। इसके बाद पृथ्वीराज रासो ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, यह इच्छावाचक है, तो इसका हो जाएगा 4वां। इसके बाद 9-2-11 होना, तो ये क्या है? बिना मेहनत लाभ प्राप्त करना। बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना। बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना। इसके बाद माँ का आंचल हो जाएगा शिव पूजन सहाय। इसके बाद दोस्तों, हम आते हैं प्रश्न नंबर 4। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं गर्मी से परेशान? किससे? सॉरी, गर्मी से परेशान। इसके बाद तृप्त धारा का सांकेतिक अर्थ है दुखों से पीड़ित धरती। इसके बाद है वर्ण मात्रा यति आदि के से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं? तो कहते हैं छंद। चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है? प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं। नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई थी 2 फीट। इसके बाद उपासना करने वाला क्या कहलाता है? उपासक।
इसके बाद हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? मेला आंचल, मेला आंचल, मेला आंचल। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। यहाँ पर देखते हैं सत्य असत्य। राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए, सत्य है। इसके बाद मुक्तक काव्य, सॉरी खंड का मुक्तक काव्य का एक भेद है असत्य, क्योंकि ये अलग है। और इसके बाद कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, सत्य है। इसके बाद प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थीं, तो ये सत्य है। सिद्धार्थ स्वस्थ हैं, विधिवाचक वाक्य है, सत्य है। तारकेश्वर नाथ ही भोले भोला भो, सॉरी भोलनाथ थे, तो ये भी सत्य है। दोस्तों ये प्रश्न है 2 नंबर के, इनको आप हल कर लें। देखिए दोस्तों इनको आप जरूर हल कर लें। इसके बाद देखिए दोस्तों प्रकार, देखिए दोस्तों अब मैच करते जाइएगा सही पेपर है या गलत पेपर है। इसके बाद देखिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।